أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers welcome to my YouTube channel learning point आज हम बात करेंगे CS408 human computer interaction assignment number 2 के solution के बारे में. तो चलिए देखते हैं इस assignment को. इसकी पहले instructions read कर लेते हैं. तो देखें, it should be clear that your assignment will not get any credit if assignment is submitted after due date. Submitted assignment does not open or file is corrupt. Assignment is copied. अगर इन तीन तरह की आपकी फाइल होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर असाइनमेंट आपकी ड्यू डेट के बाद सबमिट होगी, अगर आपकी फाइल करप्ट होगी या ओपन नहीं होगी तब भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेगा. अगर असाइनमेंट कॉपी होगी किसी स्टूडेंट से या इंटरनेट से तब भी. क्या होता है कि कोई एक जनरल बंदा असाइनमेंट बना के ग्रुप में सेंड कर देता, बच्चे वहीं से ग्रुप से ले लेके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है उनके मार्क्स नहीं आते. कुछ चैनल्स से देख के, मतलब यूट्यूब चैनल्स पे जो लोगों ने अपलोड की होती है, देखें आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम टू सेम कॉपी कर लें. अगर आप सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं तो वो हो सकता है कितने ज़्यादा बच्चों ने सेम टू सेम कॉपी किया हो, तो उस तरह आपका इंटरनेट से भी मैच कर जाता है और स्टूडेंट से भी मैच कर जाता है, तो इसलिए आपको फिर कॉपीड के मार्क्स नहीं मिलते. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपने क्या करना है. आपने कॉपी नहीं करना, अपनी वर्डिंग में इसको करना है. ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या हैं? लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, ठीक है. अंडरस्टैंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, उसके फ़ायदे और नुकसान. चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ. आपने असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो सबमिट करवानी है. कोई भी पीडीएफ इमेज फाइल नहीं सबमिट करवानी, उसके भी ज़ीरो मार्क्स होंगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू इमेजेस इन द बिलो मेंशन टेबल. नीचे जो टेबल दिया गया है इसमें दो इमेजेस दी गई हैं. आइडेंटिफाई दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड विच वन इज़ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप. आपने बताना है इन दोनों इमेज में से कौन सी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है और कौन सी हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है. एंड राइट योर आंसर इन द कॉलम नेम टाइप. टाइप के अंदर आपने इसकी प्रोटोटाइप बतानी है, ठीक है, उसका नाम बताना है. Also give the justification in column name justification. Justification वाले कॉलम में आपने इसकी justification देनी है, ठीक है. तो पहली इमेज को देखते हैं. ये देखें जो हमारे पास पहली इमेज है, इसमें कुछ भी क्लियर हमें नज़र नहीं आ रहा, ना पता चल रहा ये क्या चीज़ है, सब कुछ ब्लर ब्लर. तो इसको क्या कहेंगे, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. देखें इमेज ए, ये जो पहली इमेज है, हैज़ बेसिक, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ ओपन की है, लेकिन पूरी तरह से ना तो वो ओपन है ना ही क्लोज है, ठीक है. रफ़ शेप्स हैं उसके अंदर, बिल्कुल रफ़ सी शेप्स हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है. एंड मिनिमल डिटेल, इसमें मिनिमल डिटेल भी नहीं है, बल्कि वो तो नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है. इंडिकेटिंग इट्स अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, तो ये इसे जाहिर कर रहा है कि ये क्या है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है. चलें नेक्स्ट इमेज देखते हैं, सेकेंड वाली. तो ये देखें सेकंड इमेज देखें तो इसमें हमें पता चल रहा है ये एक सोफ़ा है, ठीक है, डेविस सोफ़ा है, इसकी प्राइस ये है, इसमें कलर्स कौन कौन से हैं ये भी पता चल रहा है, ठीक है. ऐड टू कार्ट का बटन भी नज़र आ रहा है, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है. तो ये क्या है, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, क्योंकि इसमें हमें सारी डिटेल्स मिल रही हैं. तो इमेज बी मीन्स ये वाली इमेज जो है, शोकेसेस फाइनल डिटेल्स, ये हमें फाइनल लुक दे रही है, इसके अंदर डिटेल्स भी सारी हैं. एंड अ क्लोजर रिप्रेजेंटेशन, और ये रिप्रेजेंट भी अच्छा कर रही है ऑफ़ द फाइनल प्रोडक्ट, इंडिकेटिंग इट्स हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप. तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप. आप अपने हैंडआउट्स में देखें आपको ये टॉपिक मिलेगा, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप. मैं इसके लास्ट पे आपको दिखा भी दूंगी हैंडआउट से, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज यू स्टडीड अबाउट सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप. लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े होंगे हैंडआउट्स में, जिन्होंने नहीं पढ़े वो भी देख सकते हैं. इस लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के नुकसान
और फ़ायदे दोनों लिखे हुए हैं हैंडआउट्स में। देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन द कॉलम नेम्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन द बिलो मेंशन टेबल, इस टेबल में दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये एडवांटेज भी हो सकता है, उसका फ़ायदा भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है, मीन्स उसका नुकसान भी हो सकता है। तो हमने ये बताना है कि ये उसका फ़ायदा है या नुकसान है, ठीक है। You are required just write advantage or disadvantage word to word each statement in the column named advantage disadvantage. आपने इस कॉलम में आप बताना है कि ये फ़ायदा है या नुकसान है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड आपने लिखना है। तो ये देखें, आप अपने हैंडआउट्स में चले जाएं, तो ये आपको टाइप भी मिल जाएगी, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ये उनके एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो हम अपने हैंडआउट्स में देखते हैं, पहली क्या है, अवैल्यूएट मल्टीपल डिज़ाइन कंसेप्ट। ये देखिए, अवैल्यूएट मल्टीपल डिज़ाइन कंसेप्ट, तो ये क्या है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप का एडवांटेज है, तो हम जाके वहाँ पर लिख देंगे एडवांटेज, ठीक है। दूसरा देखें, एड्रेस स्क्रीन लेआउट इशूज़, एड्रेस स्क्रीन लेआउट इश्यूज़, ठीक है, तो ये भी एडवांटेज है। थर्ड वन पे देखें तो लिमिटेड यूटिलिटी आफ्टर रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश, लिमिटेड यूटिलिटी आफ्टर रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, ये देखें टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, ये क्या है, डिसएडवांटेज है। लास्ट वन देखें, लुक एंड फील ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, लुक एंड फील ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो ये क्या है, इसका एडवांटेज है। आपने अपनी सारी स्टेटमेंट्स को यहाँ से वेरीफाई कर लेना। और दूसरी बात, जो मैंने ऊपर वाले में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा था, मैं लास्ट पे दिखा दूंगी, तो वो भी मैं दिखाती चलूँ। ये देखें, ये हमारे पास है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है। इसी तरह अगर हम सर्च करें हाई फिडेलिटी, तो आपको वह भी मिल जाएगी। ये देखें, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ये नीचे लिखी हुई पेज नंबर 211 पे, ये देखें हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप यूजेस मटेरियल, ये उसके बारे में सारी डिटेल है, ठीक है। ये उसकी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स हैं और ये उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। जिसने ये टॉपिक किया उसको बहुत अच्छे से समझ आएगी। उम्मीद है आपको ये असाइनमेंट का सलूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।